नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम बात उस वायरल वीडियो की करेंगे जिसमें एक मशहूर पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोको कोला की बोतल को हटाकर पानी की बोतल को प्रेफर किया गया है, जिसके बाद कोको कोला के शेयर बाज़ार में एक दिन में $4 बिलियन यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। आइए समझते हैं इस पूरे वाक्य को। बात है यूरो कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पूरी चैंपियनशिप का प्रायोजक कोको कोला है और जैसा कि पहले से तय होता है कि प्रायोजक अपने जो भी उत्पाद होता है उसका प्रचार के लिए उसे फ्रंट लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवश्य सामने रखेगी, जिससे कई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रायोजक के उत्पाद का भी विज्ञापन हो जाए, जिससे करोड़ों लोग एक साथ देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ कोक के साथ भी हुआ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरू हुई तब फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने सामने रखी कोक की बोतलों को हटाकर एक साइड में किया और उसके स्थान पर पानी को प्रेफर किया। उन्होंने कोक की बोतलों को न केवल एक साइड में किया बल्कि उसे स्क्रीन से भी हटा दिया। इस छोटी सी घटना से कोक का शेयर बाज़ार में शेयर की कीमतों में 1.6% की गिरावट आई, जो उसके कुल कैपिटल की $4 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए के बराबर होती है, और इतने पैसे उसके डूब गए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी सेलिब्रिटी के द्वारा ऐसा किया गया हो। विदेशों में कई बार ऐसा हुआ है कि जब वहाँ के सेलिब्रिटी रुपए पैसों के स्थान पर हेल्थ को प्रेफर करते हैं। इसी का एक और उदाहरण है इटली का एक फुटबॉलर जिसने कोको कोला की बोतल को हटाकर वहाँ पानी को प्रेफर किया। वहीं एक दूसरी ओर फ्रांस के फुटबॉलर ने हैनिकेन की बियर को वहां से हटाते हुए उसको साइड में रख दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब को कुफ्र माना गया है। दरअसल अमेरिका के एक सर्वे में यह बात सामने आई है, जब कोई मशहूर फुटबॉलर सेलिब्रिटी या कोई भी फिल्म स्टार किसी उत्पाद का प्रचार करता है तो उसे करोड़ों लोग देखते हैं और बाद में उसे अपना रोल मॉडल मानते हुए उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, और जिससे उस पर्टिकुलर उत्पाद की मार्केट वैल्यू रातों रात तेज़ी से बढ़ जाती है। परंतु आज के समय में कई मशहूर सेलिब्रिटी जो हेल्थ को प्रेफर करते हैं ना कि रुपए पैसे को, और साथ में ये पूरा ध्यान रखते हैं वो ऐसी कोई भी चीज़ का उत्पाद का प्रचार नहीं करेंगे जो है हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो। और इस तरीके का ट्रेंड विदेशों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है, परंतु वहीं भारत में ठीक इसका उल्टा है। भारत में हेल्थ को प्रेफर ना करते हुए रुपए पैसे को ही महत्व दिया जाता है। भारत में ऐसे कई सेलिब्रिटी हैं जो केवल रुपए पैसों की खातिर किसी भी घटिया से घटिया उत्पाद का प्रचार करने से नहीं चूकते, और उन्हें यह नहीं पता कि उनका अनुसरण कई करोड़ लोग करते हैं, क्योंकि उनके रुपए कमाने की भूख कभी कम होती ही नहीं है। चाहे वह अरबपति हो जाएं या खरबपति, वे बिना कुछ सोचे समझे ऐसे उत्पाद को प्रचारित करते हैं या ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करते हैं जिसका स्वास्थ्य को सीधे सीधे नुकसान पहुंचता है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है कि क्या आप कोई उत्पाद या कोई भी फैशन केवल इसलिए अपनाते हैं कि आपका चाहता सेलिब्रिटी उसको फॉलो करता है, या आप अपनी भी बुद्धि लगाते हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका जवाब दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।